साथियों, टीएमसी के प्रति बंगाल के लोगों का आक्रोश मैं समझ सकता हूं, लेकिन बंगाल में सुपड़ा साफ होते देख टीएमसी भी बहुत बौखला गई है। अब टीएमसी मानवता की सेवा करने वाले संत समाज को गालियां देना शुरू कर दिया है। इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के सेवा भाव से दुनिया भली भांति परिचित है। इन संगठनों ने बंगाल को गौरव दिया है, सुख दुख में इन लोगों ने लोगों का साथ दिया है। लेकिन यहां की मुख्यमंत्री कहती है कि हमारे ये संत, ये संगठन देश को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है, यहां की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है, बदनाम कर रही है। हिंदुओं को भगीरथी में डुबो देने वाला बयान, ये भी टीएमसी ने सोच समझ कर दिलवाया था। वोट बैंक के दबाव में टीएमसी लगातार संतों को अपमानित कर रही है, बंगाल की परंपरा को अपमानित कर रही है। ये लोग मोदी के विरुद्ध वोट जिहाद की अपील करवाते हैं, ये लोग राम मंदिर को भली भांति बार बार गंदी से गंदी, बद्दी से बद्दी गालियां देते हैं। क्या ऐसी पार्टी को आप बर्दाश्त करेंगे क्या? बंगाल टीएमसी की तुष्टीकरण की नीति का जवाब वोट से देंगे कि नहीं देंगे?